सो हे गाइस, तो जैसा कि आप ने थंबनेल में देखा ही होगा, यहाँ पर विंडोज 11 यहाँ पर आ चुका है मेरे पास, और ये 24 तारीख को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया जाएगा पब्लिकली, लेकिन मेरे पास पहले से ही आ चुका है एक लीक्ड ISO के कारण, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। तो यहाँ सामने में हमें देखने को मिल जा रहा है, ये है विंडोज 10 और ये है विंडोज 11। तो क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, तो ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। बट इससे पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वही इस वीडियो को देख रहे हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाता रह सकूं, और साथ ही में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो हे गाइस, अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं विंडोज 11 में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया था, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि चारों तरफ कॉर्नर्स राउंड हो चुके हैं। ना सिर्फ ये, अगर हम लोग ये खोलें तो आप देख सकते हैं टास्क बार से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ये स्टार्ट मेनू खुलता है, एंड दिस इज़ द ऑल न्यू स्टार्ट मेनू, जो कि मुझे थोड़ा सा मतलब उतना बेटर नहीं लगा, क्योंकि एक्चुअली मुझे लाइव टाइल्स यूज़ करने की आदत हो गई थी, बट स्टिल दिस इज़ रियली गुड। और यहाँ पर छोटे छोटे आइकन्स देखने को मिल जाते हैं, एंड ऑल ऐप्स भी, जैसा कि यहाँ से आप देख ही सकते हैं। तो स्टार्ट मेनू को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चेंज किया गया है, विच इज़ मतलब कुछ लोगों के लिए अच्छी बात हो सकती है, वाइल फॉर सम पीपल दिस कैन बी रियली फ्रस्ट्रेटिंग है स्टार्ट। बट चलिए, ये नया स्टार्ट मेन्यू हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पावर बटन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। तो यही है नया स्टार्ट मेन्यू, और साथ ही में यहाँ पर अगर आप कुछ टाइप करना स्टार्ट करें, जैसे कि OBS फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ये सर्च भी होने लग जाता है, आपको अलग से सर्च दबाने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे यहाँ अलग से सर्च का भी है, यहाँ पर भी आप करके सर्च कर सकते हैं। सो ये यहाँ पर नए स्टार्ट मेनू और सर्च के बारे में यहाँ पर बात हो गई। अच्छा, यह जो टास्क बार है, कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे ये बीच में कैसे आ गया, तो ये बेसिकली पूरा पूरी मैक ओएस की कॉपी बनाने के लिए यहाँ पर इस बार माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा किया हुआ है। बट उसका भी एक उपाय है, यहाँ पर टास्क बार आप अलाइनमेंट में जा करके लेफ्ट कर सकते हैं, तो ये लेफ्ट साइड भी चला जाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट द UI इम्प्रूवमेंट्स, बहुत ही ज़्यादा है, आई मीन दैट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल। मतलब आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये पूरे पूरे राउंड हो चुके हैं, चारों तरफ से पूरा राउंड शेप में यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं सारे विंडोज़। और साथ ही में यहाँ पर अगर आप मिनिमाइज़ करते हैं तो एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है, और यहाँ पर ऐप के खुलने का एनिमेशन, बंद होने का एनिमेशन, ऑल दीज आर आई मीन रियली एट अ नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल गया है UI में। तो मतलब मुझे तो ऐसा देखकर लग रहा है कि पूरा पूरी मैक OS की ही कॉपी बनाने की ये इन लोगों ने इस बार कोशिश की है। तो खैर एनीवे, ये लेफ्ट और राइट आप कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल के लिए मैं सेंटर में ही कर देता हूँ, ऑल्दो मुझे लेफ़्ट यूज़ करने की आदत है। तो ये था नया स्टार्ट मेन्यू, नया टास्क बार, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राउंडेड आइकन्स। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं दिखा दूँ, अगर आप यहाँ पर ये खोल रहे हैं तो कुछ आइकन्स अभी भी राउंडेड नहीं है, तो मे बी अब कुछ स्क्वायर में ही अच्छे लगते हैं, मे बी इसीलिए ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने किया होगा। बट अगर हम लोग यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज़ खोल लेते हैं जैसे कि ये, तो ये सब भी राउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जा रहे हैं, चारों तरफ से ये राउंड हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जा रही हैं। साथ ही में कोई भी एप्लीकेशन भी अगर मैं खोल लूँ, जैसे कि गूगल क्रोम, तो यहाँ पर भी अगर मैं इसे मिनिमाइज़ करके रखूँ, नॉर्मल स्टैंडर्ड विंडो में रखूँ, तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से यहाँ पर राउंडनेस आपको देखने को मिल जा रही है। और साथ ही मैं यहाँ पर आपको अगर मैं फुल स्क्रीन करूँ, तो यहाँ पर एनिमेशन भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका है, एकदम मैक ओएस की तरह। तो स्टार्टिंग में तो मुझे लगा ही नहीं था कि मैं विंडोज़ चला रहा हूँ, मुझे तो लगा कि मैं मैक चला रहा हूँ, बट हाँ अब बहुत ज़्यादा हो चुका है मैक की तरह। तो मैंने तो पहले ही कहा उसी की कॉपी बनाने के लिए यहाँ पर इस बार किया हुआ है विंडोज़ 11 में ऐसा। तो बस यही थी सारी चीज़ें जो नई चीज़ें हैं विंडोज़ 11 के बारे में। एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि अगर मैं डेस्कटॉप आइकन्स आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोल्डर में आपको बाहर से ही थंबनेल्स नहीं दिखाई देने लग जाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है। ऑल्दो अंदर में जाकर के थंबनेल आप देख सकते हो, बट बाहर से नहीं दिखाई देते हैं, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मुझे लगा, जिससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बाहर से नहीं पता चल सकता है कि फोल्डर्स में आपके क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर दिस पीसी के जगह फाइल एक्सप्लोरर नाम चेंज हो गया, ये भी मैं आपको बताना भूल गया।
सो दिस इज ऑल अबाउट इट। और बात कर लेते हैं नई नए आइकॉन्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल सारे आइकन्स नए हो चुके हैं और मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है आइकन्स में, विच इज़ रियली गुड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेन्यूज़ हैं, फाइल एक्सप्लोरर भी मतलब कि बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है। और मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें भी मैक से कॉपी की गई हैं, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर, बट यही चीज़ है। और उसके अलावा मैं अब आप ये मत पूछिएगा कि इस विंडोज़ 11 के ISO को कहाँ से डाउनलोड करें। अगर आपको करना है तो गूगल सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मत डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ बग्स हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है विंडोज़ 11 प्रो जो कि डेवलपर वर्शन है। अब ये बिल्ड जो है ये डेवलपर बिल्ड है, तो ऑब्वियसली इसमें बग्स होंगे, यही लीक आउट हुआ था। तो एक्चुअल बिल्ड जब 24 तारीख माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारे मेजर इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट विंडोज़ 11। पूरा पूरी मैक ओएस की तरह हो चुका है, बहुत ज़्यादा UI में चेंजेस हुए हैं। एंड फिलहाल तो बस इतना ही है, बाकी 24 तारीख का वेट करते हैं और देखते हैं और क्या हमें देखने को मिल जाता है। सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट दिस वीडियो, और आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।